हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बैंकर्स वे पर। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में। और आज है 20 अक्टूबर और आज हम लोग इस समय बात कर रहे हैं IBPS PU प्री के 20 अक्टूबर को होने वाले सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम की। तो सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में क्या रहा, रीजनिंग में क्या रहा, मैथ्स में क्या रहा, इंग्लिश में, उस पर एक बार बात करते हैं। क्या क्या देखने को मिला आज की सेकेंड शिफ्ट में रीजनिंग में। तो सबसे पहले अगर बात करूँ तो मिसलिनियस पोर्शन की बात कर लेते हैं। ब्लड रिलेशन 3 नंबर का पूछा गया आपके इस एग्जाम में, ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन पूछे गए, डायरेक्शन से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए, इसके अलावा इनइक्वालिटी से 4 क्वेश्चन और सलॉक से 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन मीनिंगफुल वाला, 1 क्वेश्चन पेयर वाला। ठीक है भाई, तो 3 नंबर का ब्लड रिलेशन हुआ, 3 नंबर का डायरेक्शन हुआ, 6 नंबर, 1 पेयर वाला 7, 1 मीनिंगफुल वाला 8, 4 नंबर का इनइक्वालिटी और 3 नंबर का स्लॉग्स, तो 8 और 7 15। तो 15 नंबर का ये पोर्शन हो गया मिसलिनियस से और आपकी 4 पजल 20 नंबर की टोटल मिला के। तो ये है फ्लोर प्लस वेरिएबल, स्क्वायर 4 इन 4 आउट, बॉक्स प्लस वेरिएबल और सिटी। सिटी में वो वाली वर्डिंग जिसे हम यूज करते थे, अगर आप देखोगे 3 सिटी दे रखी थी, केवल 3 शहरों के नाम दे रखे थे, पुणे मुंबई और दिल्ली, शायद पुणे मुंबई दिल्ली, ऐसे 8 मेंबर थे, बस इन्हें मैनेज करना था। तो ये 4 नंबर का आया था, कोई एक पजल होगा जो 6 नंबर का आया होगा। ठीक है, तो टोटल मिलाकर 20 नंबर यहाँ से। इसमें कुछ वर्डिंग थी कि मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और नॉट मोर देन 3 होने चाहिए, इस तरह की वर्डिंग यहाँ पर अवेलेबल थी। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, कोई भी पजल ऐसी तो नहीं लगी जो आपको लग रहा हो कि टफ लेवल की हो, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। मैंने आपसे बोला भी था कि फ्लोर और बॉक्स फेवरेट रहते हैं IBPS के और SBI के। तो 4 पजल 20 नंबर की हो गई, 15 क्वेश्चन इधर से हो गए, तो ये 35 नंबर का पेपर आपके लिए एग्ज़ाम में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया। अब बात कर लेते हैं आगे मैथ की और इंग्लिश की। अगर मैथ की बात करें दोस्तों, तो मैथ का जो मेरे को रिव्यू मिला है, तो DII है टेबल वाली, एक लाइन ग्राफ आया है, एक टेबलर हो गई, एक लाइन ग्राफ हो गई, अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन हो गए अप्रॉक्स, अप्रॉक्सीमेशन 5 क्वेश्चन और मिसिंग नंबर सीरीज 6 क्वेश्चन। भाई टेबलर DII हो गई, लाइन ग्राफ हो गया, अर्थमेटिक हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, मिसिंग नंबर हो गया। अब यहाँ ना थोड़ा सा डाउट है, अब आप मेरे को कमेंट करके बताना, क्योंकि अरुण सर भी इस समय अवेलेबल नहीं थे तो मुझे पता नहीं लग पाया। किसी बच्चे ने कहा Q1 Q2 आया था और किसी ने कहा DS आया था, डेटा सफिशेंसी। तो आप कमेंट करके बताइएगा एग्जाम में Q1 Q2 आया था कि DS आया था कि दोनों आए थे, ये श्योरिटी नहीं हो पाई। तो आप कमेंट करके अपना व्यू रख सकते हैं कि सर मैं IBPS PU प्री की सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम देकर आया था और मेरे में Q1 Q2 आया था या DS आया था और कितने नंबर का आया था, एक बार कमेंट कर देना। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। देखो दोस्तों, इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस तो है, क्योंकि हर बच्चे को बराबर नहीं होते सारे बच्चे, कुछ बच्चे याद कर लेते, कुछ बच्चे नहीं कर पाते। जैसे RC के बारे में एक बच्चे ने कहा था 10 क्वेश्चन आए थे, एक ने कहा था 9 क्वेश्चन आए थे, तो मैंने यहाँ लिख लिया RC 9 से 10 नंबर का। सेंटेंस करेक्शन 5 क्वेश्चन, पैरा जंबल से 6 क्वेश्चन, वर्ड यूसेज 3 क्वेश्चन, वर्ड अरेंजमेंट 4 क्वेश्चन और फ्रेज रिप्लेसमेंट 3 क्वेश्चन। तो 5 और 10 15 6 21 और 7 28 29 30 31 मतलब ये 9 नंबर का, मान लो किसी एक में कम या किसी एक में ज़्यादा होगा। तो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ये आया था कि नहीं आया था, कुछ और आया हो तो ज़रूर ऐड ऑन कीजिएगा, है ना। और ये रहा आपका पूरा रिव्यू इंग्लिश मैथ और रीजनिंग का। ठीक है दोस्तों, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में जो होगा 3rd शिफ्ट का। टिल देन बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। ज़रूर बताइएगा आपने कितना अटेम्प्ट किया, टोटल कितना अटेम्प्ट रहा आपका और रीजनिंग में इतना अटेम्प्ट रहा। उम्मीद करता हूँ जो मैराथन ली गई थी आपकी, 370 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे आखिरी के 5 दिन, उनसे आपको फायदा मिला होगा और आपने अच्छा एग्जाम किया होगा। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा मुझे 9999424704 पर कि आप कितने क्वेश्चन कर पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू।